हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बीपीएससी 65th मेंस के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बताने के लिए आपके पास आज बीपीएससी 60 से 62 के टॉपर सुशांत कुमार चंचल सर आप आए हैं। वो आपको डिटेल में फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, सिलेबस से स्ट्रेटजी से लेकर के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि ऑप्टिमम स्कोर हो सके, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार स्कोर सके। तो हम सुशांत कुमार चंचल सर के पास ले चलते हैं। उससे पहले बता दें कि 65th बीपीएससी के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया है, तो आप हमारे वेबसाइट www.bpscplatform पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए और यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, दिखा रहा है ना ये, हाँ, नहीं तो आप डायरेक्ट ये टेस्ट सीरीज वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टेस्ट सीरीज में आ जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और वो हर वीकेंड पे होगा, तो आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम आते हैं फिर से देरी नहीं करते हुए सुशांत चंचल सर के पास, वो आपको बताएंगे। चलिए वेलकम सुशांत चंचल सर, ओवर। थैंक यू अमित। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत कुमार चंचल है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कैसी तैयारी करें, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्यों लें, इसके क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, इन सब बारे में आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्यों जो है सो लेना चाहिए। दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं इस बारे में। सबसे पहले ये बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं जैसे कि 56-59 का जो आपको ये एक मैं आपको स्लाइड अभी दिखा रहा हूँ 56-59 का, उस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो सक्सेस रेशियो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का वो बहुत ही हाई है। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे अभी एक स्लाइड आएगा। देखिए इस अभी अगर आप इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में आप ये जो ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल देखिए, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में टोटल 495 बच्चे अपियर हुए थे 56-59 में, जिसमें से टोटल 71 का सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू कॉल आया था और टोटल फाइनली 38 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। मेंस 495 में से 71 कम तकरीबन 15% के अराउंड जो है सो मेंस में जो है सो लोग कॉल हुए थे और 50% से अधिक बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसी तरीके से आप 60-62 का देखिए, 60-62 में भी अभी तो टोटल कितने बच्चे अपियर हुए थे उनका जो है सो ये आया हुआ है, ये ऑफिशियली आया हुआ है कितने बच्चे उसमें अपियर हुए थे। उसमें देखिए तो टोटल आपको 85 के अराउंड स्टूडेंट्स जो है सो अपियर हुए थे, टोटल 85 स्टूडेंट्स जो है सो अपियर हुए थे। इस 85 स्टूडेंट्स में से टोटल कितना सिलेक्शन हुआ उसका तो पता नहीं, बट मैं जितने को मैं जानता हूँ टॉप 30 में आपको कम से कम 7 बच्चे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 85 में से टोटल 7 बच्चे हैं, 56-59 में भी इसका सिलेक्शन का जो वो था बहुत हाई था। तो ये कहना कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में सिलेक्शन नहीं होता ये सही नहीं है। जैसे मैं भी जब तैयारी करता था तो मुझे लोग कहते थे बहुत ऑप्शनल भारी है, नंबर कम आते हैं, सिलेक्शन कम होता है, बट ये सब गलत है। ये मैं आपको डाटा से मैंने ये आपको साबित किया कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा बेनिफिट है इस ऑप्शनल को लेने का कि बहुत ही एनालिटिकल है। एक बार आपने अगर थ्योरी को कर लिया अच्छे से और आप हमेशा पेपर पढ़ते रहते हैं, करंट से खुद को अपडेट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे स्कोर्स जो हैं इस ऑप्शनल में आ सकते हैं। थर्ड बात जो है इस ऑप्शनल के साथ कि एक बार आपने इस ऑप्शनल को अच्छे से कर लिया तो जीएस में बहुत ही हेल्प मिलता है। जैसे कि आप अगर इस ऑप्शनल को करते हो तो एक तो करंट में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ जीएस पेपर 2 के सेकंड जो सेगमेंट है इकोनॉमिक्स वाला, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप ऑप्शनल का अच्छे से तैयारी कर लियो तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस ऑप्शनल को लेने में जो है सो बहुत ही बेनिफिट है, वो ये है कि ये एक सेफ ऑप्शनल है। कई बार हम देखते हैं कुछ ऑप्शनल बहुत बूम कर जाता है तो अगली बार उसमें बहुत कम रिजल्ट आते हैं, बट इस ऑप्शनल के साथ अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। ये इन जनरल अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कई बार के बीपीएससी से, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही सेफ ऑप्शनल है। अगर आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है तो आपको लेनी चाहिए।
अब मैं बताता हूँ किन किन लोगों को इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले सकते हैं या जिन्हें लेनी चाहिए। सबसे पहले जो भी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मेरे हिसाब से अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में, तो प्लीज़ आप इस ऑप्शनल पे एक बार कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी MBAs हैं या जिन्होंने कॉमर्स कर रखा है, उनका एक ग्रेजुएशन एक ऑप्शनल का जो एक सॉरी सब्सिडरी पेपर जो उनके ग्रेजुएशन टाइम पे होगा वो इकोनॉमिक्स रहता है, इसमें वो माइक्रो मैक्रो और एक पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मेजर जो कंपोनेंट है वो आप माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी का वो आप पढ़ लेते हैं। इसलिए आप अगर कॉमर्स हैं और MBA हैं और आपने पढ़ रखा है तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक बार सोचना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें मैथ्स अच्छा लगता है या जो स्टैट वगैरह अच्छे कर सकते हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शनल बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं और आपका इंटरेस्ट है करेंट में इकोनॉमिक्स में, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपको ये बताया कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, फिर बताया किसको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना चाहिए। लोगों की बातों में ना आए, कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत भारी है, इससे सिलेक्शन नहीं होता, ये सब बातें सही नहीं है। ठीक है, अब तीसरा ये मैं आप बताता हूँ कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मीन्स के एग्ज़ाम का इकोनॉमिक्स का। देखिए दो पेपर हैं इसमें, मतलब पहले दो पेपर आता था बट अब जो है सो एक ही पेपर इसमें आ रहा है। ठीक है, देखिए टोटल जो है सो 300 मार्क्स के एक पेपर आती है। ठीक है, इसमें दो सेक्शन होता है, ए सेक्शन में थ्योरी पूछा जाता है और बी सेक्शन में इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है। तो देखिए दोनों ही समय सेक्शन एक में भी जो है सो तो आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी 6 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 6 क्वेश्चंस में से आपको हर सेक्शन से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, तो मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और टोटल मार्क्स 300 होता है। तो एक क्वेश्चन जो हैं वो 50 मार्क्स के एक क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के आते हैं। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, पहला पेपर में थ्योरी पूछता है, दूसरे पेपर में इंडियन इकोनॉमी पूछता है, 6 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उन 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना होता है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इस ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। देखिए एक और बेहद छोटी अच्छी बात यह है कि इस ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, बट कई बार अब पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ स्पेशली 60-62 के बाद से कुछ क्वेश्चंस जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है वो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेट होते हैं। देखिए टोटल फर्स्ट सेक्शन में जिससे कि 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 टोटल सेगमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट है नेशनल इनकम पहले वाले से, दूसरा यह है माइक्रो का है, तीसरा मैक्रो का है, चौथा जो है सो आपको मॉनिटरी इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, पाँचवा जो है सो आपको पब्लिक फाइनेंस और ये छठा वाला इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये छः सेगमेंट से 6 क्वेश्चन आते हैं और नीचे और ये इंडियन इकोनॉमी का है और इस इंडियन इकोनॉमी और प्लस बिहार इकोनॉमिक्स का भी कुछ चीज़ें कई बार पूछी जाती है। तो टोटल इन दोनों से 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, जो 3 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना होता है। अब आप देखिए इस ऑप्शनल में आपको एक अच्छी बात यह है कि आप अगर अच्छे से कर लेते हैं थ्योरी वाला सेगमेंट, अगर थ्योरी सेगमेंट आपने अच्छे से कर लिया है तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करने के समय एग्ज़ाम के समय आपको आराम से पेपर वन कर सकते हैं। पेपर टू में कुछ आपको हर साल कुछ खुद को अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, जो भी रिसेंट चेंजेस होते हैं उसको अगर आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा जो है सो आएंगे। तो देखिए अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बुक्स आप प्रेफर करें, उस बुक्स के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है सो पढ़ना चाहिए और कैसे नोट्स बनाना चाहिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, आपको एग्ज़ाम में भी लिखने में आसानी हो, आपको मैक्सिमम स्कोर जो है सो आ सके। सबसे पहले देखिए आप अगर अच्छे से पूरे सिलेबस को देख लें तो ये जो सेकेंड वाला चैप्टर है, सेकेंड जो आपको दिया हुआ है ये इकोनॉमिक चॉइसेस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट फॉर्म, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से है,
ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। तो आप इस वैसे भी आप अगर क्वेश्चन देखें पिछले 56, 59 से 60, 62, 63 या 64 में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक बुक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स HL आहूजा का, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो बुक लिस्ट देखिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो आप HL आहूजा का आप देखें, ये अच्छी बुक है। इसमें देखिए आपको कौन कितने चैप्टर तक पढ़ना है, आपको इसमें मार्केट तक जैसे स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से लेके मार्केट चैप्टर जहाँ तक आएगा वहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप मार्केट चैप्टर तक जो है सो आप एक एक पेज जो है सो पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ और देखिए, दो सिलेबस को देखने के बाद, सिलेबस में बस कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, मार्केट फॉर्म है, इन जनरल क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। जिनका ग्रेजुएशन नहीं है उनके लिए HL आहूजा पढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि इंटर की कोई भी किताब, जो प्लस टू लेवल की कोई भी किताब हो, वो एक बार उल्टा के देख लें। जैन एंड ओहरी का अगर आप उनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलता है, या जो भी कोई भी इंटर की एक बुक जिनका कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, वो एक बार माइक्रो मैक्रो इंटर लेवल का बुक जो है सो पढ़ लें, तो उनके लिए फिर ये HL आहूजा पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो HL आहूजा से आप जो है सो माइक्रो कर लें, ये जो सेकेंड वाला सेकेंड सेक्शन जो है वो आपको इससे हो जाएगा HL आहूजा से। रेस्ट जो भी आता है, रेस्ट जितने भी हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, दूसरा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके लिए मैं आपको एक ही बुक बता देता हूं, वो बुक से आपको मैक्सिमम जितने भी सेगमेंट हैं सब आपको जो है सो उससे आ जाएंगे। उस बुक का एक बुक जो है सो आता है MN जिंगन का, उस बुक का नाम है मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस ML जिंगन का। देखिए ये बुक उनके लिए है जिनको सिर्फ BPSC देना है, BPSC में इनसे क्वेश्चन जो हैं सो आ जाएंगे, लेकिन जब आपने जो भी अपना बुक्स पढ़ रखा है UPSC में वो सब बुक यहाँ काम करेगा। बट ये बुक्स आप अगर सिर्फ BPSC दे रहे हो तो ये बुक में ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, या फिर आपको ये हो गया बैंकिंग, ये वाली टॉपिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जिसमें केन्स का जो इम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, सब सारे इसको ये आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड ये फोर्थ टॉपिक जो है बैंकिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड क्रेडिट पॉलिसीज इन प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी, ये वाला टॉपिक जो फोर्थ जो आपको टॉपिक है फोर्थ टॉपिक आप ये बैंकिंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल, ये वाली टॉपिक आप RBI के साइट से कर सकते हैं। RBI के साइट पे जब जाइएगा तो वहाँ पे RBI के साइट पे RBI के जो ऑफिशियल साइट हैं, ऑफिशियल साइट पे जो आप जाइएगा तो वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट करके एक बना हुआ है सेगमेंट, उस वहाँ से आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है सो कर लें। थोड़ा उसका लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है, बट उस लैंग्वेज में लिखने से क्या होता है आपका आपकी आंसर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ साथ जो कुछ थ्योरिटिकल बैकिंग होगा वो इस बुक जो मैंने आपको बताया है ML जिंगन की बुक, उस बुक से आपको मिल जाएगी। लास्ट फोर्थ में ही जो एक और सेगमेंट है परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार, परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार, इस टॉपिक ये बहुत ही करेंट ओरिएंटेड टॉपिक है, इसे एक दो बार मैंने क्वेश्चंस देखा है अभी तक पूछा है। तो इस टॉपिक को करने के लिए आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो आती है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे में एक सेक्शन होता है कमर्शियल बैंक्स, वहाँ से आप जो है सो जैसे बिहार में कमर्शियल बैंक का कितना क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, CD रेशियो दिख जाएगा, कितने कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के कुछ और जो इश्यूज़ हैं वो आप देख लीजिएगा, और साथ साथ जो कुछ जनरल प्रस्पेक्टिव होता है कमर्शियल बैंक के कि बिहार के डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो उन वो सब चीज़ें तो जो इंडिया के रोल में है वही बिहार के प्रस्पेक्टिव में भी है, तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। कुछ डाटा जो हैं सो वहाँ से आप आराम से वहाँ से कोट करके अपने आंसर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक जो आती है, मतलब फिफ्थ टॉपिक है
टाइप ऑफ टैक्सेस दैट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी. ये भी आपको, ये टॉपिक भी आपको जो एम एल जिंगन की बुक मिली है उस बुक में जो है सो आपको आराम से मिल जाएगा. साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बजटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज इन प्लान डेवलपमेंट इकोनॉमी, ये सब सारी सारी उस चैप्टर में दी हुई हैं. और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बजट को करना चाहते हैं तो आप करेंट या गूगल से भी आप देख सकते हैं कि बजट में जो है सो कैसे उसके जो है सो कंटेंट बने हुए हैं, फिर उसको जो है सो अपने नोट्स में आप उसको लिख सकते हैं. लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड, द रेट ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. ये चीज़ें भी आपको जो है सो ये बुक जो है मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस एम एल जिंगन का इस बुक में आपको ये सारी टॉपिकें मिल जाएंगी. ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं. अगर आपने यूपीएससी दे रखी है या आपने ग्रेजुएशन टाइम में इन सब हर एक टॉपिक पे आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक बहुत अच्छा है. उन जैसे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो भी बुक आपने पढ़ा है या जो भी आपने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पढ़ा है वो काफ़ी है. बट बीपीएससी के लिए मैंने ये बुक आप लोगों को जो है सो बताया है. बट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई साइड से जो आप वहाँ से जो आप इंस्ट्रूमेंट्स लिखेगा या ऑब्जेक्टिव जो लिखेगा वो बहुत अच्छा आपको आंसर्स मिल जाएंगे. बस एक ही टॉपिक है आपको इसमें, वो है परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन बिहार, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. इसके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और आप इंटरनेट से इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा. अब आइए सेक्शन टू में. सेक्शन टू में इंडियन इकोनॉमी में एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमी बाय उमा कपिला. इंग्लिश मीडियम में यह बुक जो है ये बुक बहुत अच्छी है. इसकी एक बहुत मोटी वाली बुक आती है, वो वाली बुक नहीं लेने, प्लानिंग एंड पॉलिसीज एंड प्लानिंग करके एक बुक आती है, वो बुक उमा कपिला का आपको इंग्लिश मीडियम में लेना है. ये बुक हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है. तो हिंदी मीडियम वाले जो भी मेरे दोस्त हैं वो इंडियन इकोनॉमी जो मिश्रापुरी की आती है, हिंदी वाले इंडियन इकोनॉमी मिश्रापुरी की आप जो है सो ले लीजिए. मिश्रापुरी बहुत मोटी बुक है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है इसमें. इसमें से जो चैप्टर्स आपको सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है. इस दो बुक के अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का, दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे से अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा. और जो भी वहाँ से फैक्ट्स आएंगे वो जो भी सबसे रिसेंट फैक्ट्स हो वो अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा. ये जो बुक्स के अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बिहार और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जरूर देख लीजिएगा. अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ 15-20 पेज में जिस्ट आता है उस इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें दिया ही रहता है बुलेट्स पॉइंट में, वो उसको एटलीस्ट आप जरूर से पढ़ लीजिएगा. और जो आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको आप पूरा डेप्थ में जाके आगे जाके उसको पढ़ लीजिएगा. तो इंडियन सेकेंड पार्ट के लिए दो बुक, एक इंडियन उमा कपिला की इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है मिश्रापुरी, और इकोनॉमिक सर्वे बिहार और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो है सो पढ़ना है दोनों ही का. बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बिहार एंड इंडिया दोनों का ही जो है सो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ने की इसके लिए ज़रूरत है. अब देखिए कैसे पढ़ा जाए जो कम समय में अच्छे से आप कर सकें. देखिए सबसे पहली बात मैं जो बताऊंगा, जैसे मैंने पढ़ाई की थी और बीपीएससी के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, आप जब भी पढ़ें नोट्स बनाते जाएं. जैसे कि पहला टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग. अब देखो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जब भी आप पढ़ें तो इसका 3-4 पेज में ऐसा नोट्स बना लें कि सारे के सारे एस्पेक्ट जो है सो आपको आ जाएं. और ये नोट्स बनाने से पहले एक बार आप क्वेश्चंस भी देख लें कि नेशनल इनकम से किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है. जैसे कि आप नोट्स बनाते हो सबसे पहले लिख लो नेशनल इनकम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है. कोई बड़े इकोनॉमिस्ट जैसे कुजनेट्स ने जो डेफिनेशन दिया उस डेफिनेशन को आप इसमें लिख लो. उसके बाद जो है सो नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो भी डिफरेंट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उन सबों को आप जो है सो अपने नोट्स में डाल लो. नोट्स में डालने फिर उसके बाद जो भी जितने कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स को वहाँ पे लिख लो. क्या क्या इस नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है. ये ऐसे करके बुलेट में, बहुत लंबा नोट्स नहीं बनाना है, जो आपको कीवर्ड्स लगता है नोट्स में उन्हीं चीज़ों को लिखो. ऐसा नहीं कि आप नेशनल इनकम बनाने में ही 10 पेज का नोट्स बना लिया, नहीं. आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उस वर्ड्स को बस वहाँ पे लिखो, और जो बातें आप लिख सकते हो उसको नोट्स में आप
मत डालो, चार पेज है मैक्सिमम या पांच पेज है मैक्सिमम नेशनल इनकम का जितना भी नोट्स है आप तैयार कर लो। फिर आ जाओ नेक्स्ट, दूसरा जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे आप देख सकते हो सिलेबस में दूसरा टॉपिक जो भी है कंज्यूमर बिहेवियर है, तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो तीन थ्योरी है सबका, जैसे कि कार्डिनल अप्रोच हो गया, डिफरेंस कर्वा, रियल प्रेफरेंस थ्योरी, बस सबका दो दो तीन तीन चार चार पेज में जो है सो आप अपना नोट जो है सो तैयार कर लो। कुछ कुछ टॉपिक्स हमेशा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मॉनिटरी पॉलिसी वाली होगी, फिजिकल पॉलिसी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड में होगी, तो इन सबका नोट्स जो है आप 30 से 40 पेज या मैक्सिमम हार्डली 50 पेज में पेपर वन का पूरा नोट्स आप प्रति समय तैयार कर लो, जिससे कि आपको मेंस के एग्जाम के समय बहुत जल्दी आपको रिविजन हो जाए और आपको पता रह जाए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको एग्जाम्स में आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो पेपर वन का हो गया थ्योरी वाला। पेपर टू में, पेपर टू में कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से पूछा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछा जा रहा है, या फिर आपको रोल ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमी पूछा जा रहा है, तो इन सब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका भी तुम आप जो है सो नोट्स बना लो। इसके अलावा आप हर साल इकोनॉमिक सर्वे से आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहना, सो दैट कि आपका जो जितना भी डाटा हो डाटा जो है सो रिसेंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर एक दो साल पुराना भी हो तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप बनाओगे नोट्स बना के स्पेशली इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप उसे कीवर्ड्स को आप नहीं भूलते हो और एग्जाम में जो कीवर्ड्स पूछे जाते हैं वो कीवर्ड्स अगर लिखोगे तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आने के आपके चांसेस होते हैं। ये तो हो गया मतलब कैसे पढ़ने का जो है सो आपको कैसे पढ़ा जाए। दूसरी चीज़ अब कैसे आंसर जो है सो लिखना है बीपीएससी में, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जब भी आप थ्योरी लिखो तो थ्योरी में कोशिश जिस भी थ्योरी में ग्राफ है उस ग्राफ को आप जरूर से जो है सो लिखना, साथ साथ हर थ्योरी का एक कुछ कोर वर्ड्स हैं उस उन कोर वर्ड्स को वहाँ पे लिखना। जैसे कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग आंसर्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर जो है क्रिटिसिज्म और फिर कंक्लूजन। ये यहाँ शायद ना हो पाए क्योंकि यहाँ 10 नंबर में ही पूछ देता है कभी एक बड़ा सा थ्योरी, तो उसको आप दो या एक पेज में ही समाप्त करना होता है। तो उस तरीके से आप तैयारी करो कि कैसा भी पूछे जो पूछे उस चीज़ का जवाब आप जो है सो उस तरीके से लिख देना है। एक चीज़ और, लिखते समय ये जरूर ख्याल रखना आंसर्स में वो जो पूछ रहा है उसी चीज़ को लिखना है, आपको क्या आता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसने जो पूछा है वो आपको लिखना है। कई बार हम बहुत सारा चीज़ें इंडिफरेंस कर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पूछता है तो जिस पर्टिकुलर चीज़ को वो पूछे उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने आंसर्स में लिखना है, उससे आपके आंसर्स जो है सो अच्छे होंगे और आपको मार्क्स भी जो है सो ज़्यादा मिलेंगे। एक बात और, ये जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर में स्लाइट डिफरेंस होता है। हम जीएस जब लिखते हैं एक जर्नलिस्ट की तरह लिखते हैं जैसे कि कोई भी उसको पढ़ सके, बट हम जब ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट लिखते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस सब्जेक्ट को उसके लैंग्वेज में लिखें। हर सब्जेक्ट का एक अपना लैंग्वेज होता है, इकोनॉमिक्स का भी एक अपना लैंग्वेज है, तो आप जब भी लिखो उस सब्जेक्ट को तो कोशिश करो उस सब्जेक्ट के लैंग्वेज में लिखने का। उससे क्या होता है आप टीचर जो चेक करते हैं उनको भी अच्छा लगता है और आपके मार्क्स आने के चांसेस जो हैं सो बढ़ते हैं। लैंग्वेज कहने का मतलब हो गया कि कुछ कोर वर्ड्स हैं जिन्हें हम हमेशा जो है उस सब्जेक्ट में लिखना जो है सो उस सब्जेक्ट का जो भी जार्गन्स है उसका वर्ड यूज जो है सो ऑप्शनल में कम से कम जरूर करनी चाहिए। तो पेपर वन में आप जो है सो फिगर बनाना, दूसरी चीज़ जो कुछ कोर वर्ड्स हैं उनको लिखना, अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने बोला है तो फिर जो है कुछ जो है सो जो निगेटिव जो वो हैं जो कुछ क्रिटिसिज्म है उस थ्योरी को लिखना। इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना थ्योरी में, तो थ्योरी में एजम्पशंस, क्रिटिसिज्म, मेन बॉडी और लास्ट में कुछ कंक्लूजन लिखने की आप जो है सो कोशिश करना। अब आ जाओ इंडियन इकोनॉमी पे। अब इंडियन इकोनॉमी में देखो, जब भी इंडियन इकोनॉमी लिखना बहुत ज़्यादा फैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे सुनते हैं कि बहुत फैक्ट नहीं डालना, हाँ लेकिन फैक्ट डालना जरूर चाहिए क्योंकि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे दाल में नमक। बहुत ज़्यादा नमक भी देने से ख़राब होता है और बहुत कम नमक भी दीजिएगा तो दाल बहुत अच्छा नहीं होता। इसे कुछ भी पॉइंट बोलोगे, जैसे बोलोगे इंडियन एग्रीकल्चर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इकोनॉमी में, तो इसको सब्सटेंशिएट करो पॉइंट से कि आज भी अराउंड 48% ऑफ पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे जस्ट डिपेंड करता है। अब जैसे आपने 48% लिखा है तो आपका सोर्स क्या है, तो अगर सोर्स पता है तो ब्रैकेट में सोर्स जरूर लिख दो, 48% इकोनॉमिक सर्वे 13-14, तो आपने अपना पॉइंट डाल दिया। या कितना परसेंट जो है तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, या एक्सपोर्ट में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन, अगर आपको पता है तो डाटा लिख दो। अगर सोर्स पता है तो जरूरी नहीं हर जगह सोर्स लिखा जाए, जो कुछ आप लिखते हो डाटा अगर उसका सोर्स लिख देते हो ब्रैकेट में तो ये होता है नहीं आपने जो लिखा वो डाटा बहुत और जो है ऑथेंटिक है, इससे आपको अच्छे मार्क्स जो है सो छोटा छोटा पॉइंट है, इससे आपके जो है आंसर्स होते हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। तो डाटा लिखना है, सोर्स कोशिश करना है अगर याद रहे तो सोर्स डाटा का लिखना है, बहुत ज़्यादा डाटा उसमें नहीं डालना है। डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका भी होता है, अगर आपको दो तीन डाटा एक साथ लिखना है तो उसको टेबल फॉर्म में आप जो है सो
बना दो और नीचे सोर्स लिख दो, तो और क्या होगा, आपका आंसर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज, आंसर्स इंडियन इकोनॉमी में स्पेशली एनालिटिकल लिखने की कोशिश करना, एकदम से कोशिश करना कि जितना एनालिसिस करके आंसर्स लिखोगे ना, नंबर उतना अधिक मिलेंगे। दूसरी तीसरी चीज, अगर आपको आता रहे क्वेश्चंस के आंसर्स तो पॉइंट फॉर्म में लिखो, जैसे कि पूछता है कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको दूर करने के लिए जो है क्या क्या रेमिडीज जो है सो है और सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज चलाई है, तो ऐसे उसमें एकदम से दो लाइन में आप जो है सो वो दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो, डायरेक्ट आ जाओ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने किया था, दो बार दो भागों में कर दिया था, इनपुट रिलेटेड प्रॉब्लम और आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर इनपुट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको मैंने एक एक पॉइंट करके लिखते, अगर आप एक एक पॉइंट भी इनपुट में लिखोगे तो 12 से 15 प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आउटपुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी 12 से 15 आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, फिर आप क्या क्या इसकी रिमेडी आपको पता है या आपको लगता है उन चीज़ों को लिख दो, लास्ट में आप जो है सो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस सारे पॉलिसीज को लिख दो। लिखते समय ख्याल रखना दो चार पॉलिसी का नाम लिखने से अच्छा है जितनी मैक्सिमम पॉलिसीज आपको पता हो सारी पॉलिसीज जो है सो आप लिखते जाओ, तो इससे क्या होना आंसर्स में आपने बहुत कंटेंट डाल दिया, ठीक है, और आपका आंसर्स भी दिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछे, पॉलिसीज बता रहे तो पॉलिसीज लिख देना, ज़्यादा कोशिश करना पॉइंट फॉर्म में लिखने का, अगर थ्योरेटिकल बैकिंग मिल जाए पेपर वन से तो उसे भी आप डाल दीजिएगा, तो आंसर्स आपका अच्छा हो जाएगा और जो है सो स्कोर आपकी बढ़ने की चांसेस बहुत अधिक हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ उसको कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी 63rd का ही एक क्वेश्चन लेता हूँ, जो BPSC में 63rd अभी हुआ है रिसेंट में, 63rd का क्वेश्चन मैं आपको लेके बताता हूँ कि एक किसी भी एक क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए जिससे आपको मार्क्स बहुत जो है सो मैक्सिमम आए। फिर मैं आपको इसी में बता दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे चूज करो, क्योंकि क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है ना ये बहुत क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन भी जो है सो बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप क्वेश्चन को लिखो और कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करो। तो पहले ये तो एक क्वेश्चन 63rd में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 63rd का अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन है डिफाइन मॉनिटरी पॉलिसी एंड इट्स रिलेवेंस टू एन इकोनॉमी, ये 63rd BPSC में क्वेश्चन था ऑप्शन उसका ये क्वेश्चन है, कंपेयर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कंसर्निंग इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब देखो इसमें क्या बात है, सबसे पहले एक सबसे पहले पूछा है कि मॉनिटरी पॉलिसी को डिफाइन करने पूछा है। अब एक तो अपने मन से तुम पहले डिफाइन करो कि व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी, जैसे कि मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, मॉनिटरी पॉलिसीज जैसे मैं इसको लिखता, मॉनिटरी पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड एंड कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एंड थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट वाया मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो एक तुमने एक जेनरिक बात बताई कि मॉनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, इसके थ्रू जो है सो क्रेडिट कंट्रोल होता है वाया चेंज इन मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो तुम्हारा डिफिनेशन हो गया। फिर जस्ट नीचे लिख दो किसी एक बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे कि शायद किसी जॉनसन का या किसी का भी जो एक बड़ा इकोनॉमिस्ट हो उसका अकॉर्डिंग टू फेम इकोनॉमिस्ट जॉनसन मॉनिटरी पॉलिसी की डेफिनेशन ये है, किसी एक इकोनॉमिस्ट का जो है सो मॉनिटरी पॉलिसी जो डेफिनेशन दिया उस डेफिनेशन को तुम वहाँ पे कोट कर देना। ये जो पहला सेगमेंट है तुम्हारा वो हो गया, जैसे कि मॉनिटरी पॉलिसी का पहले यहाँ डेफिनेशन लिख देना, फिर जो डेफिनेशन बाय सम प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है उसको तुम लिख देना, ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट आपको आपने एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ इट्स रेलेवेंस टू एन इकोनॉमी, मॉनिटरी पॉलिसी के क्या रेलेवेंस है, देखो जो आज के डेट में डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसमें मॉनिटरी पॉलिसी का रेलेवेंस काफ़ी बढ़ गया है। सबसे पहला जो बड़ा इसका रेलेवेंस है ये इंश्योर करता है चीप एंड ईजी क्रेडिट, ठीक है, और ये रैपिड सस्टेनेबल एंड इसको ऐसे करके लिखना कि फॉर रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉनिटरी पॉलिसी हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस या ग्रेट रिलेवेंस इन इकोनॉमी, फर्स्ट लिखना टू इट इंश्योर चीप एंड ईजी क्रेडिट। अब इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देना दो से तीन लाइन कि चीप एंड क्रेडिट कैसे जो है सो इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरा इसका रिलेवेंस है इट इंश्योर्स ऑप्टिमम इन्फ्लेशन, और ऑप्टिमम इन्फ्लेशन कैसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए सबको पता है, बस दो लाइन में इसको लिख देना। दूसरा इट स्पर ग्रोथ में, ये ग्रोथ को जो है सो बढ़ावा देता है, और ग्रोथ क्यों जरूरी है इकोनॉमिकली इन तीन चीज़ों को लिखना। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं रिलेवेंस मॉनिटरी पॉलिसी का, उसको आप जो है सो ऐड कर सकते हो। तो सेकेंड है इट रिलेवेंस इन इकोनॉमी, तो
तो ऐसे ही एकदम लिखते जाना है, जैसे डिफाइन किया फिर रिलेवेंस को लिखा और हेडिंग लिख के, वहाँ अंडरलाइन करना नहीं होता, बट आप जो आप मेन ऊपर में लिखते हो बीबीएससी में उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, रिलेवेंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाओ, कंपेयर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, इन एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो अब हमने जैसे आप जानते हो जो भी इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, उनको पता होगा कि दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जितने भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको लिख दिया मैंने, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लिख दिया। एक एक को आपको बताना होगा और कंपेयर करना होगा कैसे ये कैसे, इस क्वेश्चन ने पूछा है क्या, कैसे ये कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करता है, कि जो आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट जैसे CRR लिखा है या SLR लिखा है या रेपो रेट लिखा है, कैसे ये जो है सो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे एबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे असर पड़ता है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो अब आ जाओ, जैसे कि मैंने एक रेपो रेट या CRR किसी भी ले लो, जैसे स्टार्ट मैंने रेपो रेट से किया, तो सबसे पहले रेपो रेट को डिफाइन कर दो, ये क्या होता है, इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके। अब देखो, अब रेपो रेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अब इसमें अलावा कुछ भी बहुत बकवास नहीं लिखना, बस डेफिनेट डिफाइन कर लिया। अब हाउ रेपो रेट इन्फ्लुएंस कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जैसे अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने का तुम्हारे पास टाइम तो रहेगा नहीं, बस इतना लिखना कि इसको एक लाइन से समझा सकते हो, जैसे कि जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज किया देखो तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, लेंडिंग रेट्स जिस रेट पे कमर्शियल बैंक देता है लोन किसको, पब्लिक को, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक बढ़ जाएगा तो उसका जो लेंडिंग रेट्स है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो इससे हमने क्या दिखाया कि रेपो रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, बढ़ गया, और जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कैपेबिलिटी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एवेबिलिटी कम हो गई। फिर यहाँ एक लाइन और ऐड कर देना कि RBI को जब क्रेडिट को वो चीपर करना होता है तो रेपो रेट को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, और जब उसको क्रेडिट को महंगा करना होता है तो वो क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि रेपो रेट के बढ़ने से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमी में जो है सो आपको लेंडिंग पहले से कम हो जाएगी। सिमिलरली CRR क्या होता है कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक टेक्निकल वर्ड होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका कुछ पोर्शन जो है सो RBI के पास रखना होता है, ठीक है। जो ये जो कुछ पोर्शन जो RBI के पास रखता है उसको हम लोग CRR बोलते हैं। अब CRR कैसे इन्फ्लुएंस करता है एबिलिटी ऑफ क्रेडिट को और ये एबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ये इसको तुम इसको भी ग्राफ से समझते हो। जैसे ही CRR बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, पहले जितना मान लो 4% था CRR, उसको 5% RBI ने, पहले 4% CRR था, RBI ने उसे इंक्रीज करके कर दिया 5%। अब 5% करने से क्या हुआ, पहले RBI के पास कमर्शियल बैंक 4% पैसा रखती थी, अब 5% पैसा रखने लगे, मतलब क्या हुआ, उसके पास जो क्रेडिट देने का जो पावर था, पहले वो 96% दे सकती थी, अब कितना वो लोन दे सकती है, क्रेडिट 95%, मतलब एबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, पहले से घट गया। तो इससे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली आप जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस को डिफाइन करना, फिर ये कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे ये इंपैक्ट करता है आपको एबिलिटी ऑफ क्रेडिट पे, उसको आपको दिखाना है। तो इस तरीके से अब फिर लास्ट में ये भी बता देना कि सबसे वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट, और सबसे पोटेंट टूल क्या है, CRR है। CRR का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है सो इकोनॉमी में पड़ता है। इस तरीके से आप इस आंसर्स को हर सेगमेंट को आप एड्रेस करोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक लिखना, ब्लफिंग एकदम मत कीजिएगा, जो उसने क्वेश्चंस पूछा है वही क्वेश्चंस को जो है सो आपको लिखने की ज़रूरत है। ये तो मैंने बोला क्वेश्चंस कैसे लिखना है, दो चार क्वेश्चंस लिखो जहां भी अपने में आपस में मिलकर क्वेश्चंस को चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। अब मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे चूज करो आप, कि मतलब क्वेश्चंस को जो है सो आपको जैसे 63rd का क्वेश्चंस जो है सो आप 63rd के क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे चूज करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम स्कोर जो है सो आए। याद रख, सबसे पहले चीज़ ये 63rd का क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, 63rd के क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है
ये 63rd का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो अब इस 63rd में टोटल 12 क्वेश्चन हैं। अब आपको ये इस 12 में से 6 ही लिखना है। कई बार जब हम अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो ऑलमोस्ट 12 में से 10 क्वेश्चन तो या 8 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही रहते हैं। तो अब इस 12 में से कैसे 6 को चुना जाए कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चूज़ कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। जैसे 6 क्वेश्चन हैं फर्स्ट सेक्शन में, मान लो 6 में से आपको 5 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4, 5। तो अब इस 5 में से आप 5 में से 3 ही लिखना है। तो आप कौन कौन सा क्वेश्चन आप चूज़ करो कि आपको मैक्सिमम आ सकता है। एक जो मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही ये सुनते आ रहा हूँ या जैसे मैंने लिखा है ये, कि जिस क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। उससे क्या होते हैं ना कि मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लो, इसमें कितने पूछे हुए क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 50 नंबर के इस क्वेश्चंस के लिए आपको 4 क्वेश्चंस लिखने का मौका मिलेगा। और जैसे लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें 50 नंबर के लिए एक ही जो है सो आपको एक ही क्वेश्चन आप लिखने को मौका मिलेगा। क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेजर बैंकिंग रिफॉर्म टू प्लेस इन इंडिया। अब ये 50 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर को थोड़ा 45 देने में वो हो सकता है कि 45 बहुत हो गया, लेकिन 10 क्वेश्चंस में 9 देने में जो है सो एक साइकोलॉजिकल भी, अरे 9 तो बनता है, 9 अच्छा से आपने लिख दिया तो 9 आपको आराम से मिल सकता है। और छोटा क्वेश्चन लिखते हो तो आपको मटेरियल भी अधिक होता है तो आप आंसर सब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हिक्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट एज टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर आप बस जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है, आपने बस सिर्फ एक डायग्राम बना दिया और उसमें आपने उस डायग्राम पे दिखा दिया कि प्राइस इफेक्ट को दो भाग में, इनकम इफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपने डिवाइड करके बस 2-4-10 लाइन में आपने अगर से सम अप कर दिया तो 10 या 12 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आपको मैक्सिमम आपको 1 या 2 नंबर जो है सो टीचर काटेगा और मैक्सिमम आपको मार्क्स से मिल जाएगा। सिमिलरली डिस्कस इंडिफरेंस कप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, ये इतना आसान क्वेश्चन है। आप इसको दो, आप पहले बजट को डिफाइन कर दो, फिर आप इंडिफरेंस कर दो, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखा दो, इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सकते हैं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप लिखो और उसको एक्सप्लेन कर दो तो आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक हो, मेरे हिसाब से वो चूज करना थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है। दूसरा, जो थ्योरी हो और जिसमें जो है वही है, उसमें बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से इंटरप्रिटेशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स अधिक मिलते हैं। कि एक क्वेश्चन ये, अगर मैं 63rd देता तो एक क्वेश्चन ये चूज़ करता। दूसरा, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। ये बहुत इसका ऑब्वियस आंसर है, मनी सप्लाई का डेफिनेशन लिख दो। इट्स डिटर्मिनेंट्स, ये एकदम फिक्स होता है, चाहे आप लिखो या कोई लिखो, इसके डिटर्मिनेशन चेंज नहीं होते हैं। फिर आ जाओ डिस्कस एच हाई पावर थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, आराम से एच थ्योरी भी आप लिख सकते हो। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने मन से आपको कुछ लिखना नहीं होता, जो दिया हुआ है वही है, इसमें बहुत आर्गुमेंट्स नहीं है कि क्या गलत क्या सही, जो है सो है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चंस भी चूज कर सकते हो। फिर लास्ट ने 3rd क्वेश्चन, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी इट्स रिलेवेंस टू एन इकोनॉमी, कंपेयर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्निंग इन्फ्लुएंसिंग दी कॉस्ट एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन मैंने भी डिस्कस किया, ये भी क्वेश्चन थ्योरिटिकल बेस है, बट इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन अगर आप एच थ्योरी वाली लिखो, सेकंड वाली लिखो, क्योंकि उसमें क्या एकदम से फिक्स्ड है मनी सप्लाई क्या होता है, उसका रिटेनमेंट क्या होता है, उसको एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। जैसे 2 और 3 में दो क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा फायदा अगर आपको आता है, क्योंकि एकदम से वो थ्योरी है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। सिमिलरली 3rd क्वेश्चन आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ BOP एडजस्टमेंट एक्सप्लेन। ये भी एकदम से थ्योरी है, दो थ्योरी, इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू BOP। जैसे अब ये 4 क्वेश्चंस हुए, 4 में अगर मुझे मौका मिले तो मैं 3 नंबर क्वेश्चन मुझे आता है फिर भी मैं इसको लिखने से अच्छा मैं 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर लिखूंगा, क्योंकि ये तीनों ही बहुत जो है सो आपको थ्योरी बेस्ड है और इसमें थ्योरी लिखना होता है तो इसमें मार्क्स आपको अधिक आएंगे। 5th आप देख लो, एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस एडॉप्टेशन ऑफ ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी, अंडर व्हाट कंडीशंस इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिस्कस। अब देखो ये सब क्वेश्चंस क्या होता है ना, थ्योरी नहीं है, आप लिखोगे, आपसे टीचर एग्री भी हो सकते हैं डिसएग्री भी हो सकते हैं, तो आपको वो डिसएग्री हो गए थोड़ा सा कम मार्क्स देंगे, एग्री हो गए तो आपको बहुत मार्क्स देंगे, इसमें रिस्क है। लेकिन ये जो थ्योरी इलास्टिसिटी एंड एब्जॉर्प्शन अप्रोच, ये क्या, ये आप जो लिखोगे टीचर उससे उनके एग्री होने, अगर आपने थ्योरी लिख दी तो लिख दी, इसमें थ्योरी में तो कोई चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन लिखना बहुत ही अच्छा है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स टू प्लेस इन इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है। तो इस 6 क्वेश्चन में जैसे मैं 4 क्वेश्चन जैसे 1, 2, 3, 4 में से अगर मुझे 4 आता तो मैं 1,
टू एंड फोर क्वेश्चन चूज करता है, क्योंकि इसमें मार्क्स आने के चांसेस बहुत ही अधिक हैं। सिमिलरली जो इंडियन इकोनॉमी वाली क्वेश्चंस हैं, इसमें पहले देख लो तुमको कितना क्वेश्चंस तुमको आ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आ रहा है वैसे क्वेश्चंस को आप पिक करो जो एनालिटिकल अधिक हो, जिसमें आपको अधिक फैक्ट जो है सो आप जानते हो, और जिसको लिखने में आपको अधिक से अधिक पॉइंट्स जो है सो मिल रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस आप जो है सो चूज करो, आपको मार्क्स जो है सो बहुत ही आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, ये हर बार ऑलमोस्ट पूछता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रिटिकल एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट 2006 ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर आपको स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आता है तो लिखो, नहीं आता है तो इस क्वेश्चन से ब्लफिंग मत करना, क्योंकि ये बहुत ही टू द पॉइंट स्वामीनाथन कमेटी का जो है सो पूछा, उसको भी क्रिटिकली एग्जामिन करने पूछ रहा है कि आप कितना हद तक ये फिजिबल है और फिजिबल नहीं है। सिमिलरली इसमें देख लो ट्रिप्स पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमी ऑफ बिहार सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, या गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, हाउ एवर एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑन इंडियन एग्रीग्रियन इकोनॉमी। तो इस तरह इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब देख लो, इसमें से छः में से तुम कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से लिखते हो, किसमें तुम अधिक फैक्ट दे सकते हो और किसमें तुम अधिक एनालिसिस कर सकते हो, वो क्वेश्चन लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ रही है तो ये लिखो, अगर नहीं आ रही है तो इस क्वेश्चन को लिखने का कोई मतलब नहीं है। बट जैसे कि एक क्वेश्चन हमेशा है, जैसे गिव अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द कॉज बिहाइंड मास पॉवर्टी इन इंडिया एंड डिस्कस पॉवर्टी इन इंडिया एंड डिस्कस पॉवर्टी रेशियो ऑफ दैट इज हेड काउंट रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल नेचर का है, इसमें बहुत अधिक आप जो है सो जो है कारण सबको पता है कारण क्या है, फिर पॉवर्टी रेशियो जो भी हेड काउंट रेशियो है उसको आप एक्सप्लेन कर दो आप अच्छे से, और मेजरमेंट कैसे इंडिया में मेजरमेंट होता है, दो तीन कमेटी का नाम देके आप जो है सो इसको अच्छे से आप लिख सकते हो। दूसरा ये क्वेश्चन है, एक जो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म में का जो हिस्ट्री है उसको आप दे दो, और एग्जामिन द इम्पैक्ट और इसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन चूज करो जहाँ पे कि आपको फैक्ट्स लिखने का और ज़्यादा जो है सो मौका मिले, और आंसर्स बहुत ही जिसमें टू दी पॉइंट हो, वैसे आंसर्स आप चूज करो तो मार्क्स आपको अधिक जो है सो आने के चांसेस रहेंगे। लास्ट में एक चीज़ और कि लास्ट में एक चीज़ बस मैं बताना चाहता हूँ कि आप ऑप्शनल को लो बहुत ये नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले जितने भी पिछले चार साल के क्वेश्चन बस ली 56, 59, 60, 62, 63, 64 कि जो आंसर्स हैं आप एक बार उसको खुद से टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लिखो और इवेल्युएट करो खुद से कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इससे आप जो है सो बहुत अच्छा से आंसर्स कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।